प्रणाम दीदी। प्रणाम भाजी। भाजी एम्हर कतए एलियै यऽ? दीदी हम तऽ अहीं से भेंट करय आयल छी। छलै कि हमरा अपना ग्राम संगठन मे चर्चा भेल छलै कि बीना दीदी जे छथि बगल के गामक भीओ मे रहै छथि, तऽ हुनकर खेती जे बैगन के खेती जे करै छथि ओ कम समय मे ज्यादा तरक्की केलखिन हँ, तऽ वएह हम बुझल आयल छी जे अहाँ केना के जे छै ई सब कल केलियै हन। पहले खेती तो करे छलिए भाजी। अच्छा। लेकिन परेशान बड़ रहे छलिए, सही से उपज नहीं हो छले। अच्छा दीदी, अत्ते परेशानी जे अहाँ के भेल? हाँ भाई। तो फिर अहाँ ई जे बैगन के खेती के जे तरीका जे है, हाँ, से फिर अहाँ कोन तरीका से अपने लिए कनी हमरा आई के बारे में जे बता दे। हाँ भाजी, क्या न बता देवे भाजी। ठीक छै दीदी, हमरा कनी बता दिए भाईजी। हाँ दीदी। एगो तोड़े छिए। अच्छा, बैगन तोड़े छिए। हाँ, तोड़े वाला भोग ले भाई, तोड़े छिए। आ एगो नर्सरी लागल छै। नर्सरीयो लगबै छिए। हाँ भाईजी। अच्छा, आ आई रोपबै एगो। यानी तीनों चीज दीदी अहाँ करै छिए? हाँ भाईजी, तीनों चीज के साथ। अही पर निर्भर भ गेलिए अहाँ? हाँ, खेतिए करै छिए भाईजी। चलू तो दीदी कनी हमरो बता दिय। हाँ, चलू जे हमहू एकरा सीखी आ दीदी सबके बतेबे। हाँ चलू भाईजी। चलू चलू चलू, आब देखले जाए भाईजी। हाँ, खेत देखियो तैयार छे। अच्छा, आप खेत तैयार करे पर ध्यान देवे पड़े छे भाई। यानी खेतियो तैयारी पर ध्यान दिया? हाँ भाईजी। खेत तो इमे केना कोन कोन चीज दे छिए अहाँ? भाईजी पहले तो पांच बेर जोता देलिए खेत के। अच्छा, पांच चास जोते लिए? पांच चास करा देलिए। ठीक छे दीदी। आ छठम चास में धनजीवा मृत द के तब जोता क। अच्छा, धनजीवा मृत कथी होय छे दीदी? अच्छा सबर करू ना भाईजी, कहै छी ना। अच्छा, आ ओ द क आ चौकी दिया देलिए भाईजी। अच्छा, यानी लास्ट में जे है तो घनजीवा मित्र जे कहलिए हन। हाँ भाई। कोनो खाद उदय छे की दीदी? हाँ भाईजी। अच्छा, वो खाद छे? हाँ। जकरा द क आ तकर बाद चौकी दिया? हाँ भाईजी, तकर बाद चौकी दिया देलिए। ठीक छे दीदी। अच्छा दीदी, ई घनजीवा मित्र जे खाद कहलिए? हाँ भाईजी। ई तो हम बाजार में कतो नहीं सुनलिए जे ई खाद भेटै छे, ई कतो भेटै छे हमरा नहीं बतेबै? हाँ भाईजी। भाईजी। हाँ दीदी। कहलहुँ जे खाद हम सब भीआरपी भैया बतेलखिन। अच्छा। तो हम सब घरे में खाद बनबै छी। अपने से बनबै छी? हाँ भाई जी। अच्छा, आ अपना खेत में यूज केलौं? अच्छा। आ प्राकृतिक विधि से? हाँ। हम सब बैगन के खेती करै छी भाई जी। दीदी। हाँ भाई जी। ई जे अहाँ प्राकृतिक विधि के बारे में बतलिए। हाँ। तो हमरा इहो चीज नया बुझाइए, आ अहाँ घनजीवा मित्र जे खाद के बारे में बतलिए। हाँ भाई। वो हमरा नया बुझाइए। आप तो हमरा बुझाया जे अहाँ से जेते जल्दी हुए। हाँ, के बारे में जानकारी ले ली। हाँ भाई। कारण जे है नया चीज है, अब की है के ना इतने जल्दी यहाँ इतने आगा बढ़ा लिया। हाँ। अब कनी हमरा कनी जल्दी यहाँ बता दिया। हाँ भाई जी, चलू बता। चलू 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 दीदी, कनी बता दिया भाई जी। हाँ दीदी। यह सामानगिरी सामग्री छे। अच्छा, आ प्राकृतिक विधि से हम सब बैगन के रोपाई करै छी। अच्छा, प्राकृतिक विधि से जे बैगन के रोपाई करै छी एहिके लेल ई सामग्री छै? हाँ भाई जी। तो दीदी हमरा एहिके प्रयोग जे छै? हाँ। कोन सामग्री के कतौ प्रयोग कयल जाय छै तै के बारे में हमरा जानकारी द दी। हाँ भाई जी। ठीक छै दीदी, तो बैठे छी। हाँ भाई। आ बैठ कर कनी हमरा एकर जानकारी। हाँ भाई जी। ठीक छै दीदी, बैस। भाई जी। हाँ दीदी। ई बिचरा भ गेलै भाई जी। अच्छा, ई बिचरा भ गेलै? हाँ भाई जी। ठीक छै दीदी। आ ई डंटा भ गेलै भाई जी। अच्छा, ई डंटा भ गेलै? हाँ। आ ई रस्सी भ गेलै भाई जी। आ ई भ गेलै इंची टेप भाई जी। ठीक छै। आ ई खुरपी भ गेलै भाई जी, जे रोपबै जे बिचरा के। हाँ। तै के लेल रोपा के लेल? हाँ भाई जी। आ ई खुरपी कोदारि भेलै भाई जी। हाँ। नाला जे बनेबै पानि पटबै लए। अच्छा, पानि पटवा के लेल नाला जे बनेबै? हाँ भाई जी। ठीक छै दीदी। अच्छा दीदी। हाँ भाई। हमरा ई बताओ कि प्राकृतिक विधि में ई डंटा के जे है ई जरूरी कतौ पड़ै छै, एहि के बारे में हमरा कनी बता दिया भाई जी। हाँ दीदी। ए डंटा के जरूरत ई पड़ै छै रोपा काल में। हाँ। जे पौधा से पौधा एतेक दूरी पर हेबाक चाही। अच्छा, मतलब एगो पौधा आई कोन पर एगो पौधा ओ। हाँ भाई जी। यानी ई नपना भेल? हाँ भाई जी, नपना भेल। ठीक छै दीदी। अच्छा ई बतैयो दीदी जे एकर दूरी कते छै? 18 इंची छै भाई जी। अच्छा, 18 इंची छै? हाँ भाई जी। यानी डेढ़ फीट? हाँ हाँ।
डेढ़ फीट के दूरी हेबा चाहिए पौधा से पौधा के। हाँ। ठीक छे दीदी, तो एक हम मैप का देख लिए। हाँ भाई जी देख लियो। ठीक छे देखो दियो दीदी, तो 18 इंची है। हाँ भाई जी 18 डेढ़ फीट। हाँ भाई जी चल तो नपना भ गेल। हाँ भाई जी चलो ठीक छे दीदी। भाई जी। हाँ दीदी। रस्सी के जरूरत अइ दुआरे पड़े छे जे एना जे रोपबे त लाइन त टेढ़ हेते। हां त अइ आयर से अइ आयर रस्सी से चिन्ह लगा देबे भाई जी। अच्छा सीधा क ले छी। हां भाई चिन्ह ल ठीक छे सीधा क ले छी अइ दुआरे जे एक रंग रहते तब ना लाइन ठीक हेते। हां यानी देखू में नीक लगते। देखू में नीक लगते भाई जी। आ ई जे अपना जे छे से हो अहां के जे छे मतलब जे बुझाई पड़ते जे मतलब लाइन सीधा सीधा। हां भाई जी नहीं तो कोना कोनी भ जेते। हां भाई जी तै दुआरे रह हम। चलो दीदी एकर बारे में तो बुझ गेलिए। हां भाई अब हमरा रोपे छे करना तकर बारे में बता दिए। हां भाई जी क्या ना बता। चलो अब जना जे रोपे छिए हां से हमरा कने एकरा बारे। हां भाई जी बता। चलो अब चल भाई जी। हां दीदी देखियो ई नाला छे भाई जी। अच्छा ई नाला छे। हां भाई चारों तरफ रहते खेत में नाला। खेत के चारों तरफ नाला। हां भाई जी किया के देबे दीदी खेत के चारों तरफ नाला। भाई जी अइ दुआरे नाला के जरूरत पड़ी छे जे पहले नाला नहीं दे छलिए। अच्छा तब पानी रह छले नहीं ते आ जे नाला दो देलिए भाई जी तो सुविधा भ गेले। अच्छा जेना पानी पटबे छिए भाई जी तो जतबी जरूरत रहले वही हिसाब से पानी देलिए। ठीक छे आ जेना ज्यादा पानी बरसात के भ गेले तो बाहर नाला से पानी के क सकै छिए। अच्छा यानी अहाँ के कह के मतलब हो गए जे पानी जे पहिने अपना सब के खेत में जकड़ जाए छले। हां भाई जी तो ओइसे है गाछ सूखा लागल बीमारी धले छले। हां भाई जी। हां तो पानी दुआरे होय छले। हां भाई जी आब जे है मतलब पानी निकासी क देलिए नाला। ज्यादा पानी भ गेले भाई जी त निकासी क सके। चलू तब त ई बुझ गेलिए दीदी के नाला के जरूरी छे। हां भाई जी यानी जतो सब्जी खेती करबे त मतलब नाला दे बेटा के। हां भाई जी चलू ई त बड़ नीक एकटा चीज बता देलौं दीदी। चलू दीदी अब आगे के प्रक्रिया बता दिए भाई जी। हाँ दीदी ई रोपा के प्रक्रिया। अच्छा। बता दे छी देखियो ई डंटा छे भाई जी। हाँ। तो ई दूरी भ गेले। ठीक छे आ रस्सी से भाई जी चिन्ह लगा देबे आ एतेक दूरी पर जे रोपबे तो दीदी सब कहिया बजा दे छी। ठीक छे दीदी तो हम ओ देख लेबे जे दीदी सब कते दूरी पर रोपे छे। हाँ भाई जी आ कना कना रोप रहल। हाँ। से देख लिस हाक पार दीदी आबे जियो। अच्छा दीदी अही सब रोपबे। दीदी कन्ना कन्ना अहाँ सब रोपबे से कनी हमरा जानकारी द दिय जे कन्ना रोपे छी। चलो ठीक छे दीदी कन्ना रोपे छी कनी बता। दीदी यहाँ पर एतेक दूरी में रखियो ना नाला से एतेक दूरी। दीदी डोरी तान के पकड़ू दीदी। अब ठीक छे दीदी हम ओन्नी जाइ छी बतबे ला नीचा पकड़ू। दीदी। हाँ भाई जी गाछ जे रोपे छी तो अहाँ सबके गाछ सीधा सौसे सौसे खड़ा रहे। हाँ भाई जी सौसे रह के खड़े रहे के जरूरी छे भाई जी। अच्छा गाछ गिरा के नहीं चाहिए। नहीं भाई जी अच्छा दीदी। हाँ भाई जी प्राकृतिक विधि से जहाँ बैगन के रोपाई के लिए। हाँ भाई जी इसके बारे में तो बहुत अच्छा से हम देखलिए कि दीदी सब कते दूरी पर रोपे है। हाँ भाई कना कना रोपल जाए है। हाँ इस सब चीज के तो जानकारी हमरा भेटल। हाँ भाई जी अब हमरा कनी एकर बारे में ई बता दिया। हाँ। कि अहाँ जे कहलिए जे वीआरपी भाई जी अहाँ के बतेलक। हाँ। प्रोजेक्टर पर अहाँ देखलिए। हाँ। तो ई देखला के बाद अहाँ जे घर पर गेल होबे पहिल बेर। हाँ भाई अपना घर में जे बतेने हेबे। हाँ भाई तो
अहाँ के घर में मतलब एक बेर कह से अपना लेल के विधि के भाईजी? हाँ दीदी, खेती जे कर कहलें तो बजे बड छलखिन जे खेती एक तो नुकसान होइए आ फिर नया विधि से कहै छी, तो हुनका कहलियनि जे देखियो ओ तो ओनाहितो नुकसान होइए तो बेसी नहि तऽ एक एक कट्ठा कऽ के देखियो नुकसान हेतै तऽ एक एक कट्ठा नहि हेतै। अच्छा, तऽ कहलखिन ठीक छै अहाँके जी यदि जिद लागलै तऽ ठीक छै एक कट्ठा करू, तऽ एक कट्ठा खेती के लिए भाई जी प्रकृति विधि सँ तुम्हें बढ़िया उपजा भेलै फसल भी बढ़िया भेलै। अच्छा, तऽ कहलखिन ठीक छै करू, तऽ ओहि पर फेर कहलखिन जे ठीक छै यदि अहाँके एहिसँ लाभ मिलल आ उपजा भी बढ़िया भेल आ ओहिसँ तीन गुना फायदा भेलै भाई जी। अच्छा, जे खेती करै छलियै तैसँ तीन गुना फायदा भेल ई प्राकृतिक विधि करै से? हाँ भाई जी। अच्छा, तऽ मुनियाके पापा पर खुश भऽ के एगो साड़ियो कीन कऽ देलखिन। चलू, तऽ बड़ नीक छै दीदी। हाँ भाई जी। चलू दीदी। भाई जी। हाँ दीदी। ई बिचरा के सेहो देखऽ पड़ै छै जे 25 दिन से ज्यादा नहि हेबाक चाही। अच्छा, अहू पर ध्यान दिअ पड़ै? हाँ भाई जी, ध्यान देबऽ पड़ै छै। अच्छा, जे 25 दिन से ज्यादा जे भऽ जाइ छै तऽ नुकसान होइ के डर रहै छै। अच्छा, ओकर जड़ जे है से? हाँ, टूटऽ के डर रहै छै भाई जी। आ 25 दिन का जे रहै छै तऽ रोपऽ मे कनि सुविधा रहै छै भाई जी, तऽ एहि दुआरे 1.5 फीट लम्बाई 1.5 फीट चौड़ाइ पर जे रोपल जाइ छै। यानी दूरियो के ध्यान? हाँ, दूरियो के ध्यान देबऽ पड़ै छै भाई जी। ठीक छै दीदी। आ ओकरा सही से आ चारू भाग नाला रहै छै भाई जी, पानि पटबैयो मे सुविधा आ पानि ज्यादा भेलै तऽ निकासियो मे सुविधा रहै छै। यानी एहि पर ध्यान हमरा दिअ पड़ै छै? हाँ, ध्यान देबऽ पड़ै छै भाई जी। ठीक छै। अच्छा दीदी। हाँ भाई जी। प्राकृतिक विधि के बारे में अहाँ हमरा बहुत अच्छा से बतेली। हाँ भाई जी। जे केना के रोपाई करल जाय छै, एकर खेत के तैयारी केना कयल जाय छै, दूरी केना छै जरूरी। हाँ भाई, सावधानियो अहाँ हमरा बतेलहुँ। हाँ। कि मतलब जे है बिचरा ज्यादा दिन के नहीं हेबाक चाही से बता देलहुँ, और दूरी किया के जरूरी छै सेहो अहाँ हमरा बतेलियै। हाँ भाई जी। और ध्यान केना के दिअ पड़तै समय समय पर सेहो हमरा बता दी। हाँ भाई जी। तो ई तो बहुत खुशी के बात भेलै दीदी। हाँ भाई। तो दीदी अहाँ हमरा बतेलहुँ ई सब जानकारी, एहि के लेल अहाँ के हम धन्यवाद करै छी। आब हम अहाँ दीदी विदा दै छी। प्रणाम। प्रणाम।